गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे योर मैथ ऑनलाइन क्लास एंड आई एम योर मैथ टीचर। दिस इज रिवीजन एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर फोर मल्टीप्लिकेशन। ओके, फर्स्टली टुडेज मॉरल इज फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु ड्रीम। दिस मीन्स फ्यूचर उनके लिए है जो उसे ड्रीम करते हैं। ओके, जो उसके बारे में सोचते हैं। मीन्स फ्यूचर उन्हीं लोगों से रिलेटेड है जो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। दिस मीन्स हमें फ्यूचर में क्या बनना है, हमें क्या अचीव करना है, उसे उन्हीं लोगों के लिए फ्यूचर है। इसलिए आपको भी फ्यूचर प्लानिंग्स करनी चाहिए। आपको एक एम हमेशा अपने मन में रखना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ फ्यूचर में अचीव करना, हमेशा ड्रीम करते रहना चाहिए फ्यूचर के बारे में। ओके, नाउ टुडे आई विल इन्फॉर्म यू दैट योर हाफ ईयरली एग्जाम विल बी स्टार्टेड इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, सो यू विल बी प्रिपेयर फॉर योर स्टडी एंड योर एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। ओके, दिस इज द रिवीजन एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर फोर मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये क्या आपका रिवीजन एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है और हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था करने के लिए। नाउ टूडे वी विल सॉल्व यू द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन 4 to 12। ओके, नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 4। A book has 245 pages. How many pages are there in 102 such books? ओके, इस टाइप्स के क्वेश्चन अभी आपने पिछले एक्सरसाइज में हमने इसमें बताया है और इसमें मैं फिर बता रही हूँ। A book has 245 pages. एक बुक में कितने पेजेस हैं? 245 pages. How many pages are there in 102 such books? इसी तरह की 102 सच बुक्स में, इसी तरह के बुक्स में कितने पेजेस होंगे टोटल। तो हमने आपको समझाया था कि जब एक के बारे में दिया हो और एक से ज़्यादा के बारे में पूछ रहा हो आपसे, तो आप क्या करोगे, हमेशा मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, यहाँ पर आपको वन बुक का दिया हुआ है, आपको 102 इसी तरह के बुक्स के पेजेस को पूछ रहे हैं। ओके, तो आप इसको इस तरह से राइट करोगे। सबसे पहले नंबर ऑफ पेजेस इज वन बुक 245, देन नंबर ऑफ पेजेस इन 102 सच बुक्स, इसी तरह के 102 सच बुक्स में, इसी तरह बुक्स में कितने पेजेस होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 245 में 102 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे कि नंबर ऑफ पेजेस इन 102 बुक्स। यहाँ पर राइट करेंगे आप आंसर, नंबर ऑफ पेजेस इन 102 बुक्स इक्वल टू आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा। ओके, चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 जा 10, 0 आपका 1 क्या हो गया, कैरी। 2 4 जा 8 में 1 9, 2 2 जा 4। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमने बताया था कि नेक्स्ट स्टेप जब हम टेंस का इस होल नंबर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम वन स्टेप यहाँ पर छोड़ के यहाँ से डाइट करना स्टार्ट करेंगे। तो जीरो से हम जब किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जीरो ही आता है, इसलिए जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों में हमारा जीरो ही आएगा। 0 5 जा 0, 0 4 जा 0, 0 2 जा 0। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है आपका, हमें अभी वन से मल्टीप्लाई करना है होल नंबर में। ओके, अब थर्ड स्टेप में हम टू स्पेस छोड़ देंगे, अब यहाँ से राइट करना स्टार्ट करेंगे। तो 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2। ओके, 0, अब हम इसको ऐड कर लेंगे लास्ट में, 9 5 4 9 2 सॉरी 4 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया नंबर ऑफ पेजेस इन 102 बुक्स
कितने पेजेस हो गए? 1,10,100, 1,000, 10,000, 24,990. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. ए विलेज हैज 1,432 चिल्ड्रेन. ए सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन गिव्स 350 ग्राम ऑफ मिल्क पाउडर पर चाइल्ड. हाउ मच मिल्क पाउडर इज नीडेड इन आल. एक गांव है जिसमें कितने बच्चे हैं? 1,432 बच्चे हैं. ए सोशल सर्विस ऑर्गेनाइज, एक जो समाज सेवी है वो ऑर्गेनाइज करता है, क्या करता है, उन बच्चों के लिए मिल्क ऑर्गेनाइज करता है. तो जब गिव्स 350 ग्राम ऑफ मिल्क पाउडर पर चाइल्ड, वह पर चाइल्ड के लिए 350 ग्राम ऑफ मिल्क देता है. तो जब वह पर चाइल्ड मीन्स एक बच्चे के लिए, पर चाइल्ड मीन्स एक बच्चे के लिए जब वह 350 ग्राम ऑफ मिल्क देता है, तो हमें क्या करना है? हाउ मच मिल्क पाउडर इज नीडेड इन आल. आल मीन्स टोटल, टोटल बच्चों के लिए उसे कितने पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, मिल्क पाउडर की. ओके, तो यहाँ पर देखिए, हमने कहा था कि जब वन दिया, देखिए वन दिया, वन बच्चों के लिए कितने ग्राम पाउडर चाहिए? 350 ग्राम. वन चाइल्ड के लिए 350 ग्राम. देन 1,432 चिल्ड्रन के लिए कितने ग्राम मिल्क की ज़रूरत होगी? तो आप समझ गए होगे यहाँ क्लियरली कि यहाँ में मल्टीप्लाई करना है. और हम इसको राइट करेंगे. सबसे पहले मिल्क पाउडर इज़ नीडेड पर चाइल्ड. ओके, 350 ग्राम, 350 ग्राम पर चाइल्ड के लिए चाहिए. नाउ मिल्क पाउडर इज नीडेड फॉर 1,432 चिल्ड्रेन. ओके, 1,432 चिल्ड्रेन के लिए कितने ग्राम मिल्क की हमें ज़रूरत है? तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, आप यहाँ मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे और यहाँ पर आंसर राइट करेंगे क्या, कि जहाँ जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पर लिखें इतने ग्राम मिल्क पाउडर इज नीडेड. ओके, इस तरह से हम इसको यहाँ पर लास्ट में आंसर आप ज़रूर राइट करेंगे. जो भी आपका आंसर आएगा आप लास्ट में आंसर को डिफाइन करेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. ए रेफ्रिजरेटर कॉस्ट 7,846 रुपीज. हाउ मच वुड 25 रेफ्रिजरेटर कॉस्ट. ये तो बहुत ही ईजी, आप समझ ही गए हो कि वन रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट कितनी है? 7,846 रुपीज. नाउ 25 रेफ्रिजरेटर की कितनी कॉस्ट होगी? वेरी सिंपल, दैट कॉस्ट ऑफ वन रेफ्रिजरेटर यहाँ पर ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ 25 रेफ्रिजरेटर्स यहाँ पर ऐड करेंगे. ओके, इसको आप खुद फिल करोगे और सॉल्व करोगे. नाउ 7. इफ़ एन एयरक्राफ्ट कैन कैरी 265 पीपुल, देन हाउ मेनी पीपुल कैन बी कैरीड बाई 12 सच एयरक्राफ्ट. तो इफ़ एन एयरक्राफ्ट कैन कैरी, एक एयरक्राफ्ट क्या कर सकता है? 265 पीपुल्स को ले जा सकता है, उनको ढो सकता है. देन हाउ मेनी पीपुल कैन बी कैरीड बाई 12 सच क्राफ्ट. इसी तरह के कि 12 एयरक्राफ्ट हों तो वो कितने लोगों को ले जा सकती हैं, कितने लोगों को ढो सकती हैं. दिस मीन्स वन जो है, एक एयरक्राफ्ट 265 पीपल्स को ले जा सकता है. तो 12 एयरक्राफ्ट कितने पीपल्स को ले जा सकता है? तो वन का दिया है आपको, 12 का निकालना है. दिस मीन्स आप क्या करोगे, 12 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे. इसमें क्या लिखोगे आप? सबसे पहले नंबर ऑफ पीपल कैरीड बाई वन एयरक्राफ्ट. ओके, नंबर ऑफ पीपल कैरीड बाई वन एयरक्राफ्ट. देन नंबर ऑफ पीपल कैरीड बाई 12 एयरक्राफ्ट. तो वन एयरक्राफ्ट से कितने पीपल को ले जा सकता है, यहाँ पर आप राइट करेंगे 265. तो 12 एयरक्राफ्ट में कितने पीपल्स को ले जा सकता है? 12 एयरक्राफ्ट इसी तरह का 265 में हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारा जो आंसर आएगा हम यहाँ पर राइट कर देंगे.
जितने पीपल्स आप आते हैं, जितने पीपल्स ले जा सकता है, जो आपका आंसर आएगा यहाँ पर राइट करेंगे, फिर लिखे राइट करेंगे आप कैरीड बाई ए 12 एयरक्राफ्ट पीपल, यहाँ पर पीपल कैरीड बाई 12 एयरक्राफ्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 1756 चिल्ड्रेन ऑन बोर्ड ए पैसेंजर शिप, द कैप्टन डिसाइड टू प्रेजेंट ईच चाइल्ड विथ 12 बार्स ऑफ चॉकलेट, हाउ मेनी बार्स ऑफ चॉकलेट्स विल द कैप्टन नीड। देखिए, देयर आर 1756 चिल्ड्रेन ऑन बोर्ड ए पैसेंजर शिप, एक पैसेंजर शिप है जिसमें कितने चिल्ड्रेन हैं, 1756 चिल्ड्रेंस हैं। द कैप्टन डिसाइड है, उसका जो कैप्टन होता है वो डिसाइड करता है कि हर बच्चे को कितनी चॉकलेट दी जाए, 12 बार ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट की 12 बार जो है पर बच्चे को दी जाए, एक पर बच्चे को, ईच चाइल्ड। ओके, देन हाउ मेनी बार्स ऑफ चॉकलेट्स विल द कैप्टन नीड, तो कितने कैप्टन को कितने बार्स ऑफ चॉकलेट की जरूरत पड़ सकती है। ओके, इसी तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ क्लासेस में जब आप टॉफ़ी बांटते हो बच्चों को तो भी आती होगी कि आपको काउंट करना पड़ता होगा कि कितनी टॉफ़ीज हमें देनी है बच्चों को और टोटल कितने बच्चे हैं। ओके, इसी ये सब प्रॉब्लम्स जो आप पढ़ते हो वो आप डेली लाइफ में भी आपका यूज होता है। सो, अब हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ चॉकलेट फॉर ईच चाइल्ड, नंबर ऑफ चॉकलेट फॉर ईच चाइल्ड, पर बच्चे के लिए कितनी चॉकलेट हमें लेनी है, 12 बार्स। ओके, 12 बार्स, तो नंबर ऑफ चॉकलेट फॉर 1765 चिल्ड्रेन के लिए कितनी चॉकलेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1765 में हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो आप 12 का टेबल आप डायरेक्ट कर सकते हैं या 1 by 1 कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर आंसर राइट कर देंगे। नाउ देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स, आप जानते ही हो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। ए चाइल्ड इज आस्क्ड टू राइट द इंटायर इंग्लिश अल्फ़ाबेट 150 टाइम, एक बच्चे को कितने 150 टाइम इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखने के लिए कहा गया, देन हाउ मेनी लेटर्स विल द चाइल्ड हैव टू राइट, तो वो उस बच्चे के द्वारा कितने लेटर लिखे जाएंगे 150 टाइम्स में, 150 टाइम्स में वो अल्फ़ाबेट के कितने लेटर्स राइट कर लेगा। ओके, तो वो आप क्या करो, कैसे राइट करोगे, आप निकालोगे पहले, वन टाइम में आपको मालूम है कि वह 26 लेटर्स लिखेगा, वन टाइम में जब वो राइट करेगा तो 26 लेटर्स राइट करेगा, देन सेकेंड टाइम में वो जो राइट करेगा इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह से 3 टाइम्स हमें निकालना होगा, हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इसी तरह 150 टाइम्स हमें निकालना, 150 का हम 26 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फाबेट इन वन टाइम कितना, 26 लेटर्स, या तो यहाँ पर नंबर की जगह आप लेटर राइट कर सकते हैं, लेटर ऑफ अल्फाबेट इन वन टाइम, देन लेटर ऑफ लेटर्स ऑफ, यहाँ पर ये आ रहा है आपका लेटर्स ऑफ अल्फाबेट इन 150 टाइम। ओके, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट इन वन टाइम एंड लेटर्स ऑफ अल्फाबेट इन 150 टाइम्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 26 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो 152 में 50 में आप 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर जो आपका अल्फ़ाबेट आएगा जितना वहाँ पर लिख देंगे अल्फ़ाबेट इन 150 टाइम्स, यानी लेटर्स ईयरली लेटर्स राइट इन 150 टाइम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर क्या है आपको मालूम ही होगा कि स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर मीन्स एंड ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर का प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर, दिस मीन्स स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर आपका क्या है, आप 1 राइट करोगे उसके आगे 30, 1, 2, 3, 4, 4-डिजिट स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर, देन ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर मीन्स 9 को आप 2 टाइम्स लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर। अब हमें प्रोडक्ट निकालना है इसका, तो हम क्या करेंगे इसमें 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट निकल आएगा। ना क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर्स एंड द ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर्स। ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर्स, तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर 99, ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर 999 और ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर 99। हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या निकल आएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स दोनों का जो हम मल्टीप्लाई करते जो हमारा आंसर होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज़ दी करेक्ट प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर देखिए 148 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू हमें निकालना है कितना होगा। ओके, तो आप पहले इन दोनों इसमें 50 का मल्टीप्लाई करेंगे देन आफ्टर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर निकल आएगा। यहाँ पर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी 3 स्टेप में है आपका, यहाँ भी 3 स्टेप में आपको मल्टीप्लाई करके राइट करना है। ओके, तो आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर हम 50 है हमारा ये 2 है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 15 2 जो आपका कितना हो गया, 15 2 जो आपका क्या हो गया यहाँ पर 100। ओके, अब हम 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ईजिली आप समझ सकते हो कि जब भी हम किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जो क्या होता है लास्ट में जो ये जो डिजिट होते हैं 0 होते हैं, राइट साइड में 0 होता है, तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ऐड हो जाता है। ओके, 100 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इधर राइट साइड में 20 ऐड होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 514820। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर ये हो गया ऑप्शन डी। आपको इजीली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप इजीली देख करके सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये भी आप सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे आपका 20 ऐड हो जाएगा राइट साइड में, यहाँ पर देखिए कौन सा आपका आंसर हो जाएगा ये। ना क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आप सॉल्व करोगे 25 का 4 मल्टीप्लाई करिए, 25 4 जा 100, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 4 जा 100। अब इजीली आप 100 को इसे मल्टीप्लाई करके इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो। ओके, इसी तरह से आप इसमें भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 25 4 जा 100 था, यहाँ पर 10 बस इंक्रीज है तो 25 4 जा 100, दिस मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आपका आ जाएगा। ओके, आप इसको करके भी देख सकते हो, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आप इजीली देख के, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए इजी होगा। आप देखिए इसको इजीली देख के समझ सकते हो कि इसको हम 25 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 100 आएगा ही, उसमें फिर ये 0 है आपका, 0 आगे बढ़ जाएगा 1000 हो गया। अब हम 1000 कैसे मल्टीप्लाईंगे तो इजीली हमारा आंसर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। ओके, 293 है, हमारे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 30 आगे इंक्रीज हो जाएगा। ओके, हमारा आंसर क्या आ जाएगा। ओके, तो इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको माइंड का यूज करके डायरेक्टली कर सकते हो। सो
आपका चैप्टर 4 इज फिनिश्ड। एंड रिवीजन एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी में क्लियरली सॉल्व कर लेंगे और उसको वर्क संडे को निश्चित ही सेंड कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म पर हम डिवीजन एक्सरसाइज डिवीजन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। ओके, और इसमें जितने प्रॉब्लम्स हैं इनका सारा आंसर आपका बुक के पीछे बिल्कुल दिया हुआ है। ओके, आप आंसर मैच करके चेक कर सकते हो कि आपने जो सॉल्व किया वो आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। ओके, बाय।